बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अगर कानून विरासत से मुतल्लिका के अगर कोई भी शख्स है उसकी डेथ हो जाती है तो डेथ की सूरत के अंदर उसके जो वारसान हैं उनके अंदर किस वारस के अंदर कितना हिस्सा जो है वो ट्रांसफ़र होगा, आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो मौजू की तरफ जाने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। देखिए, मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के अंदर मैं जो क्लास अंडर दी मोहम्मदन ला जो क्लासेस हैं लीगल हेयर्स की, जिसके अंदर रेजिड्यूरीज हैं, डिस्ट्रैक्टेंडर्स हैं, तो मैं उनकी एक्सप्लेनेशन के अंदर नहीं जाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि आम फहम ज़ुबान के अंदर इजीली तौर पर जो है वो मैं आपको अंडरस्टैंड कर चूँगा, ताकि अगर किसी भी बंदे की डेथ हो जाती है तो उसके जो वारसान है वो ईज़िली तौर पर ख़ुद से इस चीज़ को डिटर्मन कर लें कि किस बंदे का कितना हिस्सा जो है वो आएगा। इसके लिए आपको ना किसी लॉयर के साथ या किसी दूसरे बंदे के लिए जो है वो आपको हेल्प आउट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले मैंने हम कुरान पाक के अंदर सूरह निसा की चार आयतें हैं जिसके अंदर जो है वो वरासत को बयान कर दिया गया है, जिसके अंदर सूरह निसा की आयत नंबर 11 है, सूरह निसा की आयत नंबर 12 है। इसके अलावा सूरह निसा की आयत, अगर कोई कलाला शख्स फौत होता है, यानी कि कलाला शख्स वो होता है जिसकी औलाद नहीं होती है, कोई बीवी नहीं होती, माँ बाप नहीं होते हैं, जिसके सिर्फ बहन भाई होते हैं, यानी कि अपनी उसका कोई औलाद नहीं है, या कोई ऐसा जो कवारा बंदा जो है वो डेथ हो जाती है तो उसकी अगर कोई जायदाद है तो उसकी तकसीम कैसे होगी, उसके हवाले से सूरह निसा की आयत नंबर 176 है। इसके अलावा कुछ ऐसे लोगों का भी जिक्र किया गया है जो कि वारस तो नहीं है लेकिन इसके बावजूद उनको भी कुछ ना कुछ देने का जो है वो हुक्म किया गया है, इसके लिए जो है वो सूरह निसा की आयत नंबर 8 है। तो मैं सबसे पहले इन आयतों के बारे में मैं आपको आयतें पढ़ देता हूँ, उसके बाद जो है मैंने तमाम जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज जो हैं वो मैंने बनाई हैं, जिसके अंदर मैंने अगर कोई शौहर फोत हो जाता उसके अंदर उसके उसको बीवी को कितना हिस्सा जाएगा, उसके बच्चों को कितना जाएगा, माँ बाप को कितना जाएगा। इसके अलावा अगर कोई शख्स है वो किसी के मरने से पहले कोई उसकी डेथ हो जाती है, फॉर एग्जांपली अगर कोई शख्स है उसकी डेथ हुई है, माँ बाप उसके शेयर्स बनते हैं, उनके अभी 1/6 हिस्सा है, अगर वो पहले डेथ हो जाती क्या उनको भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके बारे में मैं डिटेल से आपसे बताऊंगा। इसके अलावा बीवी अगर फौत हो जाती है तो उसमें जायदाद में किसका कितना हिस्सा बनेगा, उसके अलावा कोई वालदैन फौत होते हैं तो उसकी औलाद का कितना हिस्सा बनेगा, इसी तरह से अगर कोई कलाला शख्स फौत होता है, यानी कि कुंवारा कोई शख्स फौत होता है जिसकी औलाद नहीं है, जिसकी बियाँ बीवी नहीं है, जिसके कोई बाप माँ बाप नहीं है, तो उसकी जायदाद किसके अंदर जाएगी, और किसके अगर कोई वरासत की तकसीम से पहले जो है वो डेथ हो जाती है तो क्या को मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर कोई बीवी है वो जायदाद किसी शौहर की डेथ होती है और वो जो बेवा है वो आगे शादी कर लेती है तो क्या उसको पहला जो शौहर है उसकी जायदाद में हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो तमाम डिटेल जो है वो इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले मैं कुरान पाक की जो है सूरह आयत मुबारक है मैं उनको सबसे पहले जो है वो बयान कर देता हूँ। तो सूरह निसा की आयत नंबर 11 है जिसके अंदर अल्लाह ताला का इरशाद पाक है, खुदा तुम्हारी औलाद के बारे में तुमसे इरशाद फरमाता है कि एक लड़के का हिस्सा दो लड़कियों के हिस्से के बराबर है, और अगर औलाद मैयत में सिर्फ लड़कियां ही हों यानी दो या दो से ज़्यादा तो कुल तरके में इनका 2/3, और सिर्फ और अगर सिर्फ लड़की हो तो इसका हिस्सा निसफ, और मैयत के माँ बाप यानी दोनों में से हर एक का तरके में 1/6 हिस्सा, बशर्ते मैयत के औलाद हो, अगर औलाद ना हो तो माँ बाप ही इसके वारिस होंगे, तो इस तो 1/3 माँ का हिस्सा, और ए अगर मैयत के भाई भी हों तो माँ का 1/6 हिस्सा, और ये तकसीम तरकाए मैयत की वसीयत की तामील के बाद जो इसने इसने की हो या कर्ज की अदा होने के बाद जो इसके ज़िम्मे में आएगी तुम तकसीम होगी। तो तुमको मालूम नहीं कि तुम्हारे बाप दादाओं और बेटों पोतों में से फ़ायदे के लिहाज से कौन तुमसे ज़्यादा करीब है, ये हिस्से खुदा के मुकर्रर किए हैं और खुदा सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला है। सूरह निसा की आयत नंबर 12 के अंदर है, और जो माल तुम्हारी औरतें छोड़ में रही हैं और अगर इनके औलाद ना हो तो इसमें निसफ हिस्सा तुम्हारा, और अगर औलाद हो तो तरके में तुम्हारा हिस्सा 1/4, लेकिन ये तकसीम वसीयत की तामील
कई बार जो उन्होंने की हो या कर्ज के अदा होने के बाद जो इनके ज़िम्मे हो की जाएगी। और जो माल तुम मर्द छोड़ मरो, अगर तुम्हारे औलाद ना हो तो तुम्हारी औरतों का इसमें चौथा हिस्सा, और अगर औलाद हो तो इनका आठवां हिस्सा। ये हिस्से तुम्हारी वसीयत की तामील के बाद जो तुमने की हो और अदाए कर्ज़ के बाद तकसीम किए जाएंगे। और अगर ऐसे मर्द या औरत की मीरास हो जिसके ना बाप हो ना बेटा मगर इसके भाई बहन हो, तो इनमें से हर एक का हिस्सा छठा हिस्सा, और अगर एक से ज़्यादा हो तो सब एक तिहाई में शरीक होंगे। ये हिस्से भी अदाए वसीयत व कर्ज बशर्ता इन में मैयत ने किसी का नुकसान ना किया हो तकसीम किए जाएंगे। ये खुदा का फरमान है और खुदा नहायत इलम वाला और नहायत इलम वाला है। इसके अलावा सूरह निसा की आयत नंबर 176 है जिसके अंदर कलाला के बारे में हुक्म किया गया है। ऐ पैगंबर, लोग तुमसे कलाला के बारे में हुक्म खुदा दरियाफ़त करते हैं, कह दो कि खुदा कलाला के बारे में हुक्म देता है कि अगर कोई ऐसा मर्द मर जाए जिसके औलाद ना हो और ना माँ बाप और इसके बहन भाई हो, तो इसको भाई के तरके में से आधा हिस्सा मिलेगा, और अगर बहन मर जाए और इसके औलाद ना हो तो इसके माँ तमाम माल का वारस भाई होगा, और अगर मरने वाला भाई की दो बहनें हों तो दोनों को भाई के तरके में से दो तिहाई, और अगर भाई और बहन यानी मर्द और औरतें मिले जुले वारस हों तो मर्द का हिस्सा दो औरतों के बराबर है। ये अहकाम खुदा तुमसे इसलिए बयान फरमाता है कि भटकते ना फिरो, और खुदा हर चीज़ से वाकफ़ है। और सूरह निसा की आयत नंबर 8 है, इसके अंदर अल्लाह ताला का इरशाद है, और जब मीरास की तकसीम के वक्त गैर वारस रिश्तेदार और यतीम और मोहताज आएँ तो इन को भी इसमें से कुछ दे दिया करो, और शीरी कलामी यानी नरमी से पेश आया करो। तो ये कुरान पाक की आयतें मुबारक हैं जिसके अंदर वरासत को बयान किया गया है, और इसमें क्लियरली तौर पर लिखा गया है कि जो जायदाद की तकसीम होगी वो वसीयत की तकमील और अदाए कर्ज़ के बाद होगी। सबसे पहले देखा जाएगा कि क्या उसके ज़िम्मे कोई कर्ज़ भी है। सबसे पहले उसके अगर ज़िम्मे अगर कोई कर्ज़ है तो कर्ज़ को पहले अदा किया जाएगा, और उसके बाद अगर कोई उसने वसीयत की है तो वसीयत भी की जाए। तो जो सूरह निसा है उसकी आयत नंबर 12 के अंदर वाज़ह तौर पर लिखा है, ये हिस्से भी अदाए वसीयत और कर्ज बशर्ते इन में से मैयत ने किसी का नुकसान ना किया हो तकसीम किए जाएंगे। यहाँ पर नुकसान से क्या मुराद है कि यहाँ पर ये नहीं होगा कि अगर कोई का वसीयत तो वो कर गया है लेकिन किसी को उसका राइट जो है वो उससे डिप्राइव कर गया है, उसको जो मुकम्मल हिस्सा था वो नहीं उसको दिया गया। अगर कोई वसीयत कर जाता है कि मेरे मरने के बाद जो है मेरी सारी जायदाद का वारस मेरे बेटे होंगे, मेरी बेटी नहीं होगी, तो ये वसीयत जो है वो ये कलदम होगी और इसकी वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि दो शरीयत के मुताबिक बेटी जो है वो हिस्सेदार है और इसके अंदर जो है वो मैयत के तरफ से जो है वो एक फ़र्द के लिए जो है वो नुकसान पैदा किया गया है, लिहाजा इसमें वो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी और इसमें बेटी भी जो है वो हिस्सेदार होगी। तो इसमें जो भी वसीयत की जाएगी उसके अंदर बशर्ते कि मैयत ने जो है वो किसी का नुकसान ना किया, किसी को उसके राइट से डिप्राइव ना किया हो, देन उसके बाद जो है वो ट्रांसफ़र होगी। इसी तरह से अगर किसी मैयत ने अपनी प्रॉपर्टी है वो वक्फ़ की है, एक बार जेन रख लें जो है वो 1/3 हिस्सा यानी 25% तक जो है वो मैक्सिमम जो है वो वक्फ़ की जा सकती है। 100% प्रॉपर्टी कोई भी बंदा जो है वो अपनी वक्फ़ नहीं कर सकता। कि एक बंदा है वो मरने से पहले कहता कि मैं मर रहा हूँ, मरने के बाद मेरी तमाम की तमाम प्रॉपर्टी जो है वो मस्जिद के नाम के ऊपर या किसी मदरसे के नाम के ऊपर कर दी जाए, तो ये भी जो है वो गलत होगा, गैर शरई और इलीगल होगा, और इसके अंदर मैक्सिमम जो है वो 25% तक जो है वो 1/3 हिस्सा जो है वो कर सकता है, इससे ज़ायद नहीं कर सकता, बाकी जो है वो वारसान में ही तकसीम होगी। और इसके बाद जो है मैंने जितने भी ये वसीयत है इसके हवाले, इसके अलावा ऐसे वारसान का भी जिक्र किया गया है जो कि वारस तो नहीं हैं लेकिन वो रिश्तेदार हैं, यतीम हैं, मस्कीन हैं, मोहताज हैं, तो उनके बारे में भी अल्लाह ताला का हुक्म है कि सूरह निसा की आयत नंबर 8 के अंदर कि उनको भी कुछ ना कुछ लाजमी जो है वो दे दिया करो, यानी कि उनके भी देना जो है वो लाजम है। बेशक वो गैर वारस हैं जहाँ बेशक उनका जो है वो उसके अंदर हिस्सा नहीं भी बनता, लेकिन अगर वो डिज़र्व करते हैं तो उनको जो है वो लाजमी जो है वो दिया जाएगा। अब मैंने जो है कुछ कैटेगरीज जो हैं वो बनाई हैं जिसमें भी अगर शौहर फोत होता है तो उसमें बीवी बच्चों और माँ बाप का क्या हिस्सा होगा, इस तरह को बीवी फौत होती है तो उसमें शौहर का
उसकी औलाद का, उसके वालदैन का क्या हिस्सा होगा, वालदैन फौत होते हैं उसमें औलाद का कितना हिस्सा होगा, इसी तरह से अगर कोई कलाला शख्स होता था उसमें से कितना हिस्सा होगा। तो मैंने सेपरेटली तौर पर जो है वो इनको डिवाइड किया है और ये मैं जो है वो स्टेप बाई स्टेप आपको बताता हूँ, और अगर आपकी जो भी कंडीशन हो उसके हिसाब से आप देखते जाएंगे कि इसमें किस बंदे को कितना हिस्सा जो है वो जाएगा। और इंशाल्लाह ताला वीडियो जो है वो आप लास्ट में एंड तक देखिएगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आपको देखने के बाद आप खुद तौर पर जो है वो देख सकेंगे कि किस बंदे का जो है वो कितना हिस्सा है। और इसी तरह से अगर कोई बंदा है फॉर एग्जाम्पल शौहर है, उसे पे उसके फौत होने से पहले अगर बीवी फौत हो गई है तो क्या उसका भी कोई शेयर्स बनेगा या नहीं, या कोई वालदैन फौत होंगे तो उनका भी कोई शेयर बनेगा या नहीं, तो इसके बारे में भी जो है हम इस वीडियो के अंदर आगे मैं कैटेगरीज के अंदर आपको बताता हूँ। ओके जी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि शौहर की जायदाद में बीवी या बीवियों का कितना हिस्सा होगा। तो शौहर की जायदाद में बीवी का 1/8 या 1/4 हिस्सा होगा। अगर बीवियां जो है वो ज़्यादा होंगी तो इनमें वही हिस्सा जो है वो बराबर जो है वो तकसीम हो जाएगा। और अगर शौहर के औलाद है तो बीवी का इसमें 1/8 हिस्सा होगा और 1/6 हिस्सा जो है वो उसके वालदैन का और बाकी बच्चों का जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। और इसी तरह से अगर शौहर के औलाद में फ़कत लड़कियां ही हों, दो या दो से ज़्यादा, तो उनका 2/3 हिस्सा लड़कियों का होगा, 1/8 हिस्सा जो है वो बीवी का होगा, जबकि 1/6 हिस्सा जो है वो शौहर के वालदैन के लिए है। और इसी तरह से अगर शौहर के औलाद में सिर्फ लड़की हो तो उसमें 1/2 हिस्सा यानी निसफ हिस्सा जो है वो लड़की का जाएगा, 1/8 हिस्सा जो है वो बीवा का होगा, जो बीवी है उसका होगा, और इसमें 1/6 हिस्सा जो है वो वालदैन को जाएगा। और अगर शौहर के औलाद नहीं है तो बीवी का 1/4 हिस्सा होगा और अगर बाकी जो जायदाद बचेगी वो वालदैन की होगी। और अगर कोई बीवी शौहर की जायदाद तकसीम होने से पहले फौत हो जाती है तो इसका हिस्सा जो है वो नहीं निकलेगा, उसका हिस्सा नहीं बनेगा। और अगर बेवा ने शौहर की जायदाद तकसीम होने से पहले जो है दूसरी शादी कर ली तो उसको भी कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर उसने शादी करने से पहले जो है वो वरासत की तकसीम होगी या अपना हिस्सा ले लिया है, उसके बाद वो अगर शादी करती है तो फिर उसको उसे वो जो हिस्सा लिया है उसने वो वापस नहीं लिया जाएगा। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं सेकेंडली तौर पर जो है वो बीवी की जायदाद में शौहर का कितना हिस्सा होगा। तो बीवी की जायदाद में शौहर का 1/2 हिस्सा यानी निसफ हिस्सा या 1/4 हिस्सा यानी चौथाई हिस्सा होगा। और अगर बीवी के औलाद नहीं है तो शौहर जो है वो 1/2 हिस्सा होगा और इसमें 1/2 हिस्सा जो है वो बीवी के माँ बाप का होगा। और इसके अलावा अगर बीवी के औलाद है तो शौहर के लिए जायदाद का 1/4 हिस्सा है और 1/6 हिस्सा माँ बाप का है और बाकी जो है वो उसके बच्चों का है। और अगर बीवी के औलाद में फ़कत लड़कियां ही हों, दो या दो से ज़्यादा, तो उनका 2/3 हिस्सा जो है लड़कियों का होगा, 1/4 हिस्सा जो है वो शौहर के लिए होगा और बाकी जो है वो बीवी के वालदैन के लिए होगा। और अगर बीवी के औलाद में फ़कत एक ही लड़की हो तो उसका 1/2 यानी निसफ हिस्सा उसका होगा और शौहर का इसके अंदर जो है वो 1/4 हिस्सा होगा, जबकि वालदैन का 1/6 हिस्सा इसके अंदर होगा। और अगर शौहर बीवी के वालदैन की तरफ से मिलने वाली जायदाद से पहले फौत हो जाए तो इसमें शौहर का हिस्सा जो है वो नहीं बनेगा। और अगर बीवी अपने वालदैन की तकसीम जायदाद जो है जायदाद की तकसीम होने से पहले फौत हो गई और इसके बच्चे हैं तो बीवी का अपने वालदैन की तरफ से जो से हिस्सा निकलेगा और इसमें शौहर का 1/4 हिस्सा होगा और बाकी बच्चों को मिलेगा। और अगर बीवी अपने वालदैन की जायदाद तकसीम होने से पहले फौत हो गई और इसके औलाद भी नहीं है तो इसमें शौहर को कोई हिस्सा जो है वो नहीं मिलेगा। उसके बाद हम आ जाते हैं थर्डली तौर पर जो है वो बाप की जायदाद में औलाद का कितना हिस्सा होगा, उसके ऊपर हम आते हैं। तो बाप की जायदाद में लड़के के लिए 2 और लड़कियों के लिए जो है वो 1 हिस्सा होगा, यानी कि जो मर्द का हिस्सा है वो 2 होंगे और लड़कियों का 1 हिस्सा होगा, क्योंकि फाइनेंशियली जो लाइबिलिटीज होती हैं वो मर्द के लिए के ऊपर इम्पोज की गई हैं, सो इसलिए जो है वो मर्द के 2 हिस्से और औरत का 1 हिस्सा रखा गया है। बाप की जायदाद में पहले बाप के वालदैन यानी दादा दादी का 1/6 हिस्सा जो है निकलेगा और बाप की बेवा यानी माँ का 1/8 हिस्सा निकलेगा और बाप में जो बाकी जायदाद बचेगी वो औलाद के अंदर जो है वो तकसीम हो जाएगी।
और अगर औलाद में फ़कत लड़कियां ही हों दो या उनसे ज़्यादा तो उनका 2/3 हिस्सा यानी 2/3 हिस्सा होगा और इसमें जो है 1/8 हिस्सा बेवा का होगा जबकि बाकी 1/6 हिस्सा जो है वो बाप के वालदैन को मिलेगा। और इस तरह से अगर एक ही लड़की हो तो वो जायदाद की निसफ की जो है वो हकदार होगी और 1/8 हिस्सा बेवा का होगा जबकि 1/6 हिस्सा जो है वो वालदैन का होगा। अगर बाप के वालदैन में यानी दादा या दादी जायदाद की तकसीम के वक़्त ज़िंदा नहीं हैं तो उनका हिस्सा इसमें नहीं निकाला जाएगा। तो अगर कोई बाई बाप की जायदाद की तकसीम से पहले फोत हो गया और इसकी बेवा और बच्चे हैं तो बाई का हिस्सा मुकम्मल तरीके से जो है वो निकाला इसमें जाएगा। और अगर कोई बहन बाप की जायदाद की तकसीम से पहले फोत हो जाती है और इसका शौहर और बच्चे हों तो शौहर और बच्चे को इसमें हिस्सा मिलेगा, लेकिन अगर बच्चे नहीं हैं तो फिर शौहर को जो है वो कोई हिस्सा जो है इसमें नहीं मिलेगा। इस तरह से हम आ जाते हैं कि माँ की जायदाद में औलाद का क्या हिस्सा है। तो अगर कोई माँ फौत हो जाती है तो उसमें भी लड़कियों के मुकाबले में लड़के के 2 हिस्से और लड़की का 1 हिस्सा होगा क्योंकि फाइनेंशियल लाइबिलिटीज जो होती हैं वो मर्द के ऊपर इम्पोज हैं। जायदाद में माँ के वालदैन यानी नाना नानी और बाप का हिस्सा निकालने के बाद औलाद में ये तकसीम होगी। और अगर औलाद में फ़कत लड़कियाँ ही हैं 2 या 2 से ज़्यादा तो 2/3 हिस्सा जो है वो लड़कियों का होगा, 1/4 हिस्सा जो है वो बाप का होगा और बाकी जो जायदाद है वो वालदैन के अंदर जो है वो तकसीम होगी। और अगर औलाद में सिर्फ 1 लड़की हो तो वो जायदाद की निसफ की हकदार होगी और इसमें जायदाद जो बाप है उसका 1/4 हिस्सा होगा और बाकी जो है वो 1/6 हिस्सा वालदैन का होगा। अगर माँ के वालदैन तकसीम के वक्त ज़िंदा नहीं है तो इनका हिस्सा जो है वो नहीं निकाला जाएगा और अगर बाप भी ज़िंदा नहीं है तो बाप का हिस्सा भी नहीं निकाला जाएगा और माँ की पूरी जायदाद इसके बच्चों में तकसीम हो जाएगी। और अगर माँ के पहले शौहर से कोई औलाद है तो वो भी माँ की जायदाद में बराबर की हिस्सादार होगी। इसी तरह से अगर बेटा कोई फौत हो जाता तो बेटे की जायदाद में जो है वो वालदैन का क्या हिस्सा होगा। तो अगर बेटे की औलाद हो तो वालदैन का हिस्सा जो है वो 1/6 हिस्सा होगा और अगर वालदैन में सिर्फ माँ हो तो उसको 1/6 हिस्सा मिलेगा और अगर सिर्फ बाप हो तो उसको भी 1/6 हिस्सा मिलेगा, लेकिन अगर दोनों ज़िंदा हैं तो दोनों के अंदर जो है वो 1/6 हिस्सा बराबरली तौर पर जो है वो तकसीम हो जाएगा। और अगर बेटे के औलाद नहीं है लेकिन बेवा है और बेवा ने शौहर की जायदाद तकसीम होने तक शादी नहीं की तो इसकी तो इसको जायदाद का 1/4 हिस्सा मिलेगा और बाकी जो है जायदाद है वो बेटे के वालदैन के अंदर जो है वो तकसीम हो जाएगी। और अगर बेटे की औलाद में फ़कत लड़कियां ही हों 2 या ज़ायद तो जायदाद का 2/3 हिस्सा लड़कियों का है और बेटे की बेवा के लिए 1/8 हिस्सा है और बेटे के वालदैन का 1/6 हिस्सा है। और अगर औलाद में सिर्फ लड़की हो तो वो 1/2 हिस्से की यानी 1/2 यानी निसफ हिस्से की हकदार होगी और बेवा के लिए 1/8 हिस्सा और बाकी वालदैन के लिए 1/6 हिस्सा निकाला जाएगा। और अगर बेटा रंडवा है यानी कि कंवारा है और उसके कोई औलाद नहीं है और उसकी जायदाद इसके वालदैन होंगे जिसमें माँ बाप का जो हिस्सा है वो 1/3 हिस्सा है और 2/3 हिस्सा जो है वो बाप का है। और अगर बेटे के जो है वो बहन भाई भी हों तो इसमें माँ का जो है वो 1/6 हिस्सा और बाकी बाप का है। अब हम आ जाते हैं बेटी की जायदाद में जो है वो वालदैन का क्या हिस्सा होगा। तो अगर बेटी के औलाद में औलाद है तो वालदैन के लिए जायदाद का 1/6 हिस्सा होगा और अगर वालदैन में सिर्फ माँ हो तो 1/6 हिस्सा जो है वो माँ का होगा और को मिलेगा और अगर सिर्फ बाप हो तो 1/6 हिस्सा बाप को मिलेगा, अगर दोनों हो तो 1/6 हिस्सा जो है वो दोनों के अंदर बराबरली जो है वो तकसीम हो जाएगा। और अगर जो है वो बेटी के औलाद नहीं है लेकिन शौहर है तो शौहर को जायदाद का निसब का 1/2 हिस्सा निसब मिलेगा और बाकी जो आधा हिस्सा है वो वालदैन बेटी के वालदैन के अंदर जो है वो तकसीम हो जाएगा। और अगर बेटी के वालदैन में फ़कत लड़कियां ही हों 2 या 2 से ज़ायद तो दोनों का जो है वो इसमें 2/3 हिस्सा निकलेगा और 1/2 बेटी की शौहर के लिए होगा और बाकी जो है वो वालदैन के अंदर जो है वो तकसीम हो जाएगा।
और अगर औलाद के अंदर जो है वो लड़के एक लड़की हो तो उसका जायदाद का 1/2 हिस्सा होगा, 1/4 हिस्सा जो है वो बेटी के शौहर का होगा, जबकि 1/6 हिस्सा जो है वो बेटी के वालदैन का होगा। और अगर बेटी बेवा हो ये और इसके औलाद भी नहीं है तो जायदाद के वारसान जो है वो वालदैन होंगे। और इसमें जायदाद में माँ के लिए जो है वो 1/3 हिस्सा है, और अगर बेटी के बहन भाई भी हों तो माँ के लिए जो है वो इसमें 1/6 हिस्सा है और बाकी जो है वो बाप को मिलेगा। अब आ जाते हैं कलाला के लिए, यानी कलाला ऐसे मर्द या औरत को कहते हैं जिसका कोई वारिस ना हो या जिनके कोई औलाद ना हो या जिनके वालदैन या शौहर या बीवी वगैरह ना हो। तो इसमें अगर साहिब मिरास मर्द या औरत कलाला हो और इसके सगे बहन भाई भी ना हो और अगर इसका सिर्फ 1 सौतेला भाई हो तो इसको तो इसके लिए जायदाद का 1/6 हिस्सा है, या अगर सिर्फ 1 सौतेली बहन हो तो इसका 1/6 हिस्सा होगा, और अगर बहन भाइयों की तादाद ज़्यादा है तो इसके अंदर जो है वो जायदाद में वो 1/3 के जो है वो शरीक होंगे। और बाकी जायदाद जो करीबी रिश्तेदारान हैं उनके अंदर जैसा कि दादा दादी नाना नानी अगर ज़िंदा हों या चाचा चाची ताया फुप्पो खाला मामू या उनकी औलादों में से जो ज़रूरतमंद हो उनके अंदर ये जो है वो तकसीम कर दी जाएगी। अगर जो है वो कलाला के सगे बहन भाई हों तो अगर इस सूरत के अंदर अगर कलाला मर्द या औरत हलाक हो जाए और इसके बहन भाई हों तो उसकी बहन के लिए जो है वो निसफ 1/2 जो है वो 2 हिस्सा होगा और बाकी जो है वो करीबी जो ज़रूरतमंद रिश्तेदार हैं उनके अंदर जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। और इसकी 2 बहनें हों तो अगर इसकी 2 बहनें किसी की जो है वो 2 बहनें तो उसमें 2/3 हिस्सा होगा, बाकी जो करीबी जो ज़रूरतमंद रिश्तेदार हैं उनके अंदर ट्रांसफ़र होगा। और अगर इसका 1 भाई हो तो सारी जायदाद का भाई ही वारिस होगा, और अगर भाई बहन मर्द औरतें और हों तो सारी जायदाद जो है वो इनमें तकसीम हो जाएगी, और मर्द का जो हिस्सा है वो औरत से दुगना होगा, यानी कि औरत का 1 है तो मर्द का जो है वो इसके अंदर 2 हिस्से जो हैं वो होंगे। तो ये वो तमाम जायदाद है, अगर कोई भी शख्स है वो उसकी डेथ हो जाती है तो उसके अंदर किस वारिस को कितने पैसे मिलेंगे या उसका कितना हिस्सा मिलेगा, आप इसके हिसाब से अपनी प्रॉपर्टी के हिसाब से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। शेयर्स उसके बता दिए गए हैं, इसमें सूरह निसा की 4 आयतों के अंदर आयत नंबर 11, 12, 176 और 8 के अंदर बयान किया गया है। बाकी मैंने इसको कैटेगरीज़ के अंदर जो है वो शौहर की जायदाद में से कितना निकलेगा, वालदेन की जायदाद में, बेटे की, कलाला के वाले से मैंने डिटेल से बता दिया है। आप अपने अगर कोई भी वारसान हैं वो देखना चाहते हैं कि किस बंदे को कितना जो है वो हिस्सा मिलेगा, अगर मैंने ज़रा स्पीड के साथ जो है वो कोशिश की है कि इसको कम से कम वक्त के अंदर जो है वो वीडियो को मुकम्मल करूँ, अगर कहीं से समझना है तो आप इसको रिवाइंड करके पॉज करके जो है वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।